मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी सेवेंथ है और डेट है 3 फरवरी। तो स्टूडेंट्स, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन द टू क्लासमेट अंजलि एंड शिवानी। अंजलि और शिवानी आपस में बातें कर रही हैं। शिवानी इज गोइंग टू मीट हर क्लास टीचर, लेट्स फाइंड आउट वाई। तो शिवानी जो होती है वो अपनी क्लास टीचर से मिलने जाती है, तो चलिए देखते हैं क्यों जाती है। तो अंजलि, हाय शिवानी, वेयर आर यू गोइंग। तो अंजलि शिवानी से पूछती है कि हाय शिवानी, आप कहाँ पर जा रहे हो। शिवानी, आई एम गोइंग टू मीट आवर क्लास टीचर। तो वो कहती है कि मैं अपनी क्लास टीचर से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद व्हाट हैपन, अंजलि पूछती है कि क्या हुआ, इज़ एवरीथिंग फाइन विद यू। तो वह कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है। शिवानी, येस एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम गोइंग टू गिव ए लीव एप्लीकेशन टू हर बिकॉज आई हैव माई सिस्टर्स मैरिज आफ्टर टूडे। मेरी बहन की 2 दिन बाद शादी है, इसलिए मैं लीव के लिए एप्लीकेशन देने जा रही हूँ। अंजलि, ओ ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। शिवानी, थैंक यू अंजलि। तो वो फिर थैंक्स बोलती है। अब हमने फॉर्मेट सीखा है राइटिंग, लेटर को राइट करने के लिए प्रिंसिपल को। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, द प्रिंसिपल, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो, आपके स्कूल का जो एड्रेस है, डेट, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि थैंकिंग यू, आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो इस तरीके से आपको ये आंसर पूरा करना है। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 3 डेज लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देंगे, फिर उसके बाद स्कूल का नाम, फिर स्कूल एड्रेस, फिर जो डेट है। तो आज अगर आप दे रहे हैं या 3 फरवरी को अगर आप दे रहे हैं तो 3 फरवरी की डेट लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, जिस वजह से आप लीव ले रहे हैं, ठीक है, किस लिए, 3 डेज लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज, ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब चलते हैं आगे, हमने सैल्यूटेशन दे दिया सर और मैम, फिर इंट्रोडक्शन देना होता है कि मैं उस आपकी इस क्लास का, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इन योर स्कूल, आई हैव माई सिस्टर्स मैरिज आफ्टर 2 डेज, प्लीज़ ग्रांट मी 3 डेज लीव टू अटेंड दिस ओकेजन फ्रॉम डेट 4th February 2021 टू 7th February 2021, ठीक है, थैंकिंग यू। तो थैंकिंग यू के बाद लिख देंगे क्लोज, देन ये थैंक यू, फिर योर्स, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका नाम है, मान लो आपका नाम है पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा एंड नेम दिस दिस, तो इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका नाम लिखना होता है, यहाँ पे क्लास से आप क्या आ जाएगा। तो ये छोटा सा आसान सा लेटर था और यही लेटर आपका हो सकता है एग्जाम में आए, तो अच्छे से इसको पढ़ना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।